नजर, चोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े दीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया, कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा कैसे तांत्रिक सुमित्रा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए भरपूर प्रयास करता है, मगर ऐन वक्त पर पुजारी की आत्मा उसे आकर बचा लेती है। अपनी आंखों से ये चमत्कार देख विजय भाव विभोर हो जाते हैं और अगले दिन प्रधान जी व पंडित जी को बुलाकर 20 लाख रुपए का चेक देते हैं ताकि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो सके और पुजारी की आत्मा को शांति मिल सके। ये देख भानु जल भुन जाता है। अब आगे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? अगर आप यूं ही दोनों हाथों से दौलत लौटाते रहे ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। नहीं भानु, जिसके साथी स्वयं भगवान हो भला उसको कौन बर्बाद कर सकता है। भानु, आज हमने फैसला किया है कि हम अपने फायदे के लिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जितने भी हमने लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं या जितने लोगों की जमीनें हमारे यहाँ गिरवी रखी हुई हैं, आज से हम सबको वापस लौटा देंगे। अपने सर पे किसी का बोझ रखना नहीं चाहते। मतलब आपने हमें पूरी तरह से बर्बाद करने का मन बना ही लिया। अरे मैं तुमको बर्बाद नहीं, आबाद देखना चाहता हूँ भानु, आबाद। इंसान किसी की बददुआओं को लेकर के आबाद नहीं होता, बल्कि दुआएं लेकर के आबाद होता है। मैं तो समझ गया, वक्त रहते तुम भी समझ जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरह से पछताओगे। भानु भैया, अब तो सुधर जाओ। अरे बड़े भैया भी सुधर गए, कब सुधरोगे तुम? चल चल वीडियो गेम खेल जाकर। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा भाई साहब। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। तुम्हें हमारे पास आना ही होगा। तुम जहां कहीं भी हो चले आओ हमारे पास, तुम्हें आना ही होगा। जाओ चंगू मंगू जाओ और अपनी सभी शक्तियों को भी अपने साथ ले जाओ और उस पुजारी की आत्मा को बांधकर हमारे सामने पेश करो। जाओ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, बहुत खुश हूँ प्रभु, बहुत खुश। मेरी ये अंतिम इच्छा थी कि मंदिर का निर्माण उसी भूमि पर हो और आपकी कृपा से आज मेरा वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है प्रभु। मैं अपने जीते जी तो मंदिर निर्माण करवा ना सका प्रभु, परंतु कोई बात नहीं, मरने के बाद ही सही। मैं सदैव आपका भक्त बना रहूं प्रभु। बस बस यही आशीर्वाद दीजिए प्रभु, यही आशीर्वाद दीजिए। ये कौन खींच रहा है?
क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। हे पुजारी शिवनाथ, हमारे सामने प्रकट हो। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। हे पुजारी शिवनाथ, हमारे सामने प्रकट हो। तो वो तुम हो जिसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। कम तो तुम भी नहीं हो शिवनाथ, तुमने हमारे कार्य में बाधा डालकर बहुत बड़ी भूल की है। क्या जरूरत थी तुम्हें सुमित्रा के बच्चे को बचाने की? यही तो फर्क है तेरे और मेरे में शंभुनाथ। तुम पूजा करते हो शमशान भूमि की और हम पूजा करते हैं उस परम पिता परमेश्वर की जिसने इस दुनिया का निर्माण किया। शंभुनाथ, बंद कर दे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, वरना तेरी यही शक्तियां एक दिन तुझे बर्बाद करके रख देंगी। भूत पिशाच चुड़ैल जिन्नात और शमशानी सभी मेरे गुलाम हैं शिवनाथ। अब अगर तुमने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो हम औरों की तरह तुम्हें भी इस हड्डिया में बंद कर सदा के लिए अपना गुलाम बना लेंगे। मेरे होते हुए तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। धमकी देता है वाचाल, अभी दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। अब मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हमारी गुलामी स्वीकार नहीं कर लेते। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाकर गाड़ूंगा जहां से गुजरने वाली हर एक दुष्ट आत्मा तुझे ठोकर मार कर निकलेगी। शंभुनाथ, तुम मुझे ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख सकता। और याद रख, जिस दिन मैं आजाद हो गया उस दिन मैं तुझको तेरी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा शिवनाथ, कभी नहीं। वो दिन अब जल्दी आने वाला है जब भाई साहब सब कुछ बेचकर शिखर जी चले जाएंगे और हमारे हाथ बस कटोरा आ जाएगा। फिर घर घर जाकर भीख मांगते रहना। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुने। भगवान बंदर, कहती थी कि तांत्रिक बाबा ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं? किया क्या उन्होंने? एक सीधा सा काम उल्टा करके रख दिया। भाई साहब नास्तिक से आस्तिक होते जा रहे हैं। मेरी मानो तो अमित भैया को अपने कॉन्फिडेंस में ले लो, दोनों भाई मिलकर इस अन्याय के खिलाफ शोर मचाओ। हो सकता है बची बुची खुरचन हाथ लग जाए। तू ना अपनी चोंच बंद कर, नहीं तो तेरा गला घोट के मार डालूंगा। हाँ हाँ, मार दो, मुझे ही मार दो, घोट दो मेरा गला। दर दर भीख मांगने से तो अच्छा मौत ही अच्छी है। हे प्रभु, ये तो वही बात हो गई, नेकी कर और दुलत्ती खा। जब अपने ही मारने पे लगे हो तो भला कौन बचा सकता है। चुप हो जा, बिल्कुल बिल्कुल चुप। तू अच्छी तरह से जानती है कि अमित जो है भैया भाभी का चमचा है, वो एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं सुन सकता। अमित भैया को कॉन्फिडेंस में ले लो, है? तू जा, सोचता हूँ मैं कुछ। मैं भी कुछ सोचती हूँ। समझ नहीं आ रहा तांत्रिक बाबा एडवांस लेकर भी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः।